नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। लगातार से देखा जा रहा था काफी लंबे समय से जो कान्हा गौशाला है, जो कान्हा गौ आश्रय केंद्र है, यहां पर जो लगभग 600 प्लस गाय अंदर रखने का जो है दावा किया जाता था नगर पंचायत के द्वारा, और आज की जो स्थिति है बद से बेहाल हो चुकी है और हमेशा सुर्खियों में रही है कि इस गौशाला में जो गौवंश अंदर जो है आश्रित केंद्र में बंद रहते हैं, जो इनकी देखरेख में लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भारी लापरवाही देखने को मिलती है और इलाज के अभाव के चलते जो है कई ऐसे जानवर जो है सामने आते हैं जिनकी मौत भी हो जाती है। तो इसी क्रम में आज जो है हम चलते हैं गौशाला के अंदर देखने और दिखाने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति है आज की जो गौशाला की। जैसे कि हमें सूचना मिली थी जो है देखा गया था कि 2-3 जानवरों की बताई जा रही थी कि डेथ हो चुकी है, इलाज के अभाव के चलते ऐसा दावा किया जा रहा था, और एक जो जानवर है उसका जो है इलाज आज भी चल रहा है। जो डॉक्टरों की टीम थी वो अभी आई हुई है, इलाज कर रही है, और इस खबर को जो है इतनी वायरल हो गई और जिसे देखने के लिए जो है नगर के साथ साथ जो है तमाम जो है लोग यहां पर आ गए, समाजसेवी लोग आ गए, बोर्ड के लोग आ गए, नगर पंचायत के सदस्य आ गए, सभी लोग जो है चेयरमैन भी आ गए और चेयरमैन के पिता भी आ गए। तो आज जो है एक बड़ा मुद्दा जो है सामने नजर आ रहा है। हमारे साथ में देखेंगे जो है सिया चरण जी हैं और ये पार्टी के एक नेता भी हैं जो सबसे बड़ी पार्टी समय बीजेपी पार्टी कहलाती है, उसमें जो है अच्छा खासा इनका रोल भी रहता है, और देखा जाता है कि आपकी पार्टी के ही आपके जो है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है लगातार ये आदेश दिया जाता है, ये प्रयास किया जाता है, ये आह्वान रहता है कि कहीं भी जो है इन गायों को, गौवंश को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कमी रहती है किसी जिसकी जो लापरवाही पाई जाती है उसे दंडित किया जाता है। तो देखा जा रहा है आपकी जो है डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज गायों की ये दशा देखने को मिल रही है। नहीं, ये तो सही है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले से राजेश सिवारे जी ने इसका काम संभाला और नियमित रूप से आते हैं, तब से गायों के इंजेक्शन लगना और ये अपने खेत से बरसीम लाते हैं, 2 ट्राली 1 ट्राली। ये कौन है राजेश सिवारे जी? ये चेयरमैन के पिताजी हैं और समाज सेवी हैं सुमेरपुर के, और राजेश सिवारे जो धीरू सिवारे हैं उनके पिताजी हैं, उनके साथ रज्जू नगर पंचायत के रज्जू यादव भी हैं, ये भी समय देते हैं, रंजन मिश्रा हैं। ये सरकारी कर्मचारी के अलावा गौ सेवा के लिए तमाम बाहरी लोग आके यहाँ सेवा करते हैं, सफाई करते हैं और बच्चों का दूध पिलाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम चल रहा है। लेकिन सरकारी मशीनरी और खाने पीने की डॉक्टरों द्वारा सही निदान नहीं किया जाता जानवरों की। जब डॉक्टर को राजेश तिवारी जो है अस्पताल लेने जाते हैं तब वो लेके आते हैं, और नियमित रूप से जब उनको टेलीफोन करके बताते हैं तब आते हैं, अपने मन से कोई भी ड्यूटी में नहीं आना आता। जब यहाँ से ये बताते हैं कि फलाने के गांव मेरे सामने 8 दिन पहले एक गाय के जो है फोड़ा हो गया था, उसका ऑपरेशन किया गया, वो ऑपरेशन करने के बाद उसको पट्टी डाली गई, आज मैं 8 दिन बाद आया गौशाला देखने तो वो पट्टी उसके अंदर बीजों के तो सड़ रही थी। फिर जो है चेयरमैन और अन्य लोगों ने टेलीफोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर राम बहादुर यादव आए और देख के चले गए। फिर भी एक असिस्टेंट डॉक्टर आया और उन्होंने उसकी ड्रेसिंग की, तो एक बछड़ा भी इनका नाली में गिर के मर गया जिसका इलाज, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो है कुछ डॉक्टर आए थे और वो लोग देख करके चले गए, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही नहीं है डॉक्टरों की जो आकर के देख। इसमें कोई दो राय नहीं, जो दायित्व निभाना चाहिए उस दायित्व का निर्वाह जो है पशुधन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, ना तो कभी चारा का चेक करते हैं कि भूसा कैसा है, ना उनके खाने पीने की जानवरों की, बस वो अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं। जबकि सरकार द्वारा इनको अब तो ऐसा नियम आ गया है कि चारे की व्यवस्था डॉक्टर के खाते में जाएगा, भूसा का पैसा डॉक्टर के खाते में जाएगा। जैसे यहाँ पशुधन इसमें कान्हा में अलग से चंदा से या चेयरमैन की तरफ से गुड़ खिलाने की व्यवस्था है, और वो कान्हा भी लाए हैं, ये एक अलग व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। मतलब देखा जा रहा है जैसे कि आपने बताया कि कुछ चंदे के माध्यम से या अपने तरफ से जो सहयोग करके एक जो है गायों को देखते हुए जो है यहाँ पर भोजन पानी व्यवस्था की जाती है, वहीं जो शासन भी लगातार प्रयास करता है, भारी भरकम बजट देता है गौवंश के लिए, और फिर भी आज वो एक स्थिति हमने देखी जो कल परसों गाय का जो है प्रसव हुआ है, तो उस दौरान जो है स्थिति ऐसी है कि आज भी वो गाय नहीं उठ पा रही है, ऐसा मुझे जान। ऐसा है कि सरकारी मशीनरी या कहती कुछ है, अगर इनके सही टाइम पर जैसे वो कमजोरी के लिए कैम दवा आती है पिलाने वाली, जैसे गाय कमजोर हो गई है, बच्चा दिया है कम दिन का दिया है, उसकी पीने के लिए दवा आती है, कुछ ताने काटते हैं, इस तरह के अगर ये कुछ व्यवस्था करें तो कुछ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आएंगे
तुम बता दो कि ये डॉक्टर के इसकी कीड़े पड़ गए हैं, इंजेक्शन लगा देंगे, उसके पट्टी कर देंगे, बाकी खाने पीने से इनका कोई वास्ता नहीं है। क्या खवा रहे हो, क्या खा रहे हैं जानवर, कहाँ से भूसा, ठेके का भूसा है, ले आए पलट के चले गए, और जो भूसा आना चाहिए वो सही मात्रा में नहीं आता है। केवल खाली भूसा खिलाने भर से थोड़ी कुछ होता है, भूसा के साथ में दाना भी चाहिए जानवरों की। हमारी भारत देश में परंपरा चली आई है कि गायों की सेवा के लिए या भैंस हो या गाय हो, सानी करेंगे तो उसमें दाना की आवश्यकता पड़ती है, खड़ी की आवश्यकता पड़ती है। आप देख लीजिए स्टोर में किसी प्रकार का कोई भी है, वो तो व्यक्तिगत राजस्व से भरे अपना चंदा से या बाजार से अपने व्यवहार से कहीं से गुड़ मांग के ले आते हैं, कहीं से कना मांग के ले आते हैं, ये अलग चीज हो गई। लेकिन सरकार के पैसे से, सरकार की बजट से कोई भी खरीदारी नहीं होती है, ये पक्का है। मैं जिला भाजपा का जिलाकार समिति का सदस्य हूँ, मैं लंबे समय से यहाँ आता रहा हूँ और मैंने राजेश बाबू सिवरे से कई बार यहाँ के विषय में जानकारी दी, तब उन्होंने एक्टिव हुई। अभी तक कई जानवर हम लोग जो है डंडा डाल डाल के 8-10 जानवरों को 20 जानवरों को उठाते रहे, उनको खिलाते रहे। यहाँ 20-25 जानवर जो है बैठाने आ गए थे, जो उठे ना पा रहे थे उनको खड़ा करते रहे। तो ऐसा कोई सरकारी मशीनरी एक्टिव नहीं है यहाँ, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारी गौशाला सफेद हाथी बन के साबित हो। नहीं नहीं वो तो सही है, व्यक्तिगत जो लोग पब्लिक के लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं एक गौ सेवा के नाम पर, वो आके घंटा दो घंटा जो टाइम देते हैं गौ सेवा के नाम पे, जिन्हें कुछ मिलता नहीं है तो एक पुण्य प्राप्ति के लिए जो है, इसमें कोई जुड़ा नहीं। जैसे लोग मानते हैं कि गौ हमारी माता है, इस गर्भ से जिनके पास है उम्र के हिसाब से घर से ज्यादा समय हो गया, वो गौशाला के यहाँ गऊ की सेवा करते हैं, उठवाने का काम करते हैं, चारा डलवाने का काम करते हैं, गोबर की सफाई का काम करते हैं, वो सेवा भाव से करते हैं, किसी प्रकार का कोई उनको लोग व्यापार नहीं यहाँ कोई। ये जो गौ आश्रय केंद्र ये बनाया गया था तो इसका बजट मुझे याद नहीं है, आप हो सकता है आप उस समय रहे हैं तो आपको याद हो। पहले नगर पंचायत को आमंत्रण होता था भूसा चारा के लिए, अब गवर्नमेंट ने डॉक्टर के खाते में कर दिया, अब ये पशुधन अधिकारी। इस बिल्डिंग को बनाने का क्या खर्च? ये बनाने का, ये नगर पंचायत ने ये बिल्डिंग बनाई थी, 1,45,00,000 पहली किस्त इनको जो अलॉटमेंट हुआ था 1,45,00,000 का हुआ था, मैं उस समय बोर्ड में था, ये मानिए 1,45,00,000 रुपए मिले थे। और फिर इसके बाद कई बीच में काफी दिन काम रुका रहा, कुछ हुआ बड़ा घटा हो तो नहीं गया, लेकिन इसका जो है जो प्रोजेक्ट था 1,45,00,000 का था। अब आप अंदाजा लगाइए, सोचिए जरा, 1,45,00,000 रुपए की लागत से ये कान्हा पशु आश्रय केंद्र जो बनाया गया था, और आज की जो स्थिति है कितनी दयनीय स्थिति यहाँ पर जो देखी जा रही है, पशु जो है कहीं ना कहीं तो यहाँ पर बंद करके जो है उनकी हत्या करने की एक साजिश कह सकते हैं की जा रही है। जो है शासन प्रशासन के लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए, ऐसे जो है ये गंभीर मामले जो निकल करके सामने आते हैं कहीं ना कहीं जो है जो आम नागरिक हैं उन लोगों का दिल पसीज जाता है और वो लोग यहाँ सेवा भाव से जो है चले आते हैं, लेकिन जो इसकी जिम्मेदारी लेकर के जो बैठे हुए हैं दफ्तरों में जो है जो एसी की हवा खाते देखे जाते हैं, तो वो लोग जो है केवल जो गायों के नाम से जो बजट आता है उसको जो है पलीता लगाते नजर आते हैं, कहीं ना कहीं बंदरबाट करते नजर आते हैं, और यहाँ की जो मौके की स्थिति है उससे जो वाकिफ कभी जो है नहीं देखे जाते, क्योंकि अब देखिए दो गौवंश की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है ऐसा बताया गया, आपने जो जो दो गौवंश की मृत्यु हुई आपने देखा उन्हें? नहीं, एक तो बताया गया कि एक बछड़ा है, अच्छा खाता पीता बड़ा बछड़ा था, जो नाली में गिर गया और उसको जो है उठा के यहाँ गौशाला भेजा गया, लेकिन समय से उसका निदान नहीं हुआ, वो मर गया, समय से उसकी की दवा नहीं कराई गई। और एक गाय की पोजीशन तो आपने देखा, अब ये भी मैंने बताया कि यार 8 दिन पहले उसका फोड़ा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, 8 दिन बाद दोबारा 8 पट्टी होती, जबकि 1 दिन बाद एक पट्टी होनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारी कोई अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता है, वो तो राम भरोसे चल रही है, पब्लिक के लोग यहाँ आके अपना ये करते हैं। और दूसरी बात भी ये कह सकते हैं परोक्ष रूप से कि चेयरमैन के पिताजी विशेष रूप से उनका योगदान रहता है, और गुड़ है काना ये कैसे लाते हैं, ये अपने पैसे से लाते हैं, ये बाजार से मैनेज करके लाते हैं, और रज्जू यादव का भी भरपूर यहाँ योगदान रहता है। कर्मचारी नगर पंचायत के कर्मचारियों में पूरा समय रज्जू यादव भी देते हैं, हम लगातार काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो इनके खाने पीने के सही प्रेस्क्राइब्ड है वो व्यवस्था नहीं प्रशासन करने के लिए,
जो खाने पीने की जो व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। और आइए चलते हैं, जो जैसे चाचा जी ने बताया कि जो क्या नाम बताया आपने चेयरमैन, राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी से चलते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और हमें ये भी जानकारी हुई थी, हमने एक बार शायद उनके यहाँ रिपोर्टिंग भी की थी कि उन्होंने एक जब यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही थी गायों को बंद करने के लिए जो है, तो उन्होंने अपने घर पर ही कुछ अपनी जमीन को दे करके जो है अस्थाई गौशाला का, पिछले इलेक्शन के पैसे नगर पंचायत के चुनाव के पहले इन्होंने 4-5 बीघे में अपनी खुद की गौशाला बनाई थी, अपने निजी खर्चे से उस गौशाला का संचालन किया था। उसमें जो है पानी की व्यवस्था, लड़ोनी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था इन्होंने किया था, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं था। करीबन काफ़ी जानवर इनके बंद रहे और किसानों की फसल को इन्होंने बचाया। उसी के एवरेज में किसानों ने इनको नगर पंचायत के चुनाव में इनको वोटिंग भी की और उसका लाभ भी इनको मिला। मैं किसानों का इन्होंने लाभ कराया। जब यहाँ गौशाला का संचालन सही नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने KP इंटर कॉलेज के पास एक गौशाला बनाई, उसमें गऊओं को बंद कराया, उनके खाने पीने का की व्यवस्था की, तथा इन्होंने एक आदमी रज्जन महाराज को इन्होंने रखा देखरेख के लिए, जो पूरी सीजन भर चली, जब तक फसल नहीं कट गई तब तक इन्होंने चलाया। उसका प्रतिफल चाहे गऊओं का प्रतिफल मानिए चाहे इनका प्रतिफल मानिए, वोटिंग किसानों ने इनको नगर पंचायत में वोटिंग भी की। और एक हमें वाक्य याद आ रहा है जो उसी दौरान जो है किसानों से कुछ EO साहब को लेकर के जो है गर्मा गर्मी हुई थी, ऐसा वो वाक्य मालूम है। ऐसा हुआ था कि यहाँ जो है मीनू महाराज करके एक सभासद थे, इन्होंने और मंगल यादव ने और कई किसान यहाँ जो है जानवर बंद करने के लिए यहाँ हाथ के लाए और ताला खोल के भेड़ दिया। EO साहब ने उनके उनके खिलाफ जो है सरकारी तोड़फोड़ का मुकदमा कायम करने के लिए उसमें थाने में रिपोर्ट दे दी। फिर इसके एवरेज में हम सभी लोग गए, जिसमें संतराम गुप्ता, मैं, तमाम भाजपाई नेता गए। उन्होंने कहा कि ये जनहित की बात है, इसमें भी न तो तोड़फोड़ हुई न कुछ हुआ। और हरजनों की तरफ से इन्होंने भी एक दरख्वास्त EO के खिलाफ दी कि हम जानवर लेके गए और इन्होंने गाली गलौज की, तब कहीं जो है वो मुकदमा लिखने से रुका। फिर दरोगा ने दोनों मुकदमा रोक के और जाँच के लिए कहा। तो ये इसके पहले तो व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई थी और EO यहाँ तो कुछ देखता ऐसा नहीं है। आप ये भी इसमें कहने की कोई बात नहीं, कोई भी सरकारी आदमी जो जिम्मेदार है, कभी हम यहाँ रोज डेली आते हैं, कभी हमको कोई नहीं मिला। डॉक्टर को ये ले आते हैं तब आ जाता है, बाकी कोई आदमी ना निरीक्षण करने आता कि जानवरों को क्या खिलाया गया, क्या डाला गया, भूखे हैं कि प्यासे हैं कि क्या है भूसा। एक चीज और बताइए, इसमें चेयरमैन का कितना रोल रहता है, जो गौशाला है गौशाला में कितनी उनकी जिम्मेदारी? देखिए गौशाला की जहाँ तक चेयरमैन का विषय है, चेयरमैन नगर का प्रथम नागरिक है, उसकी तो जिम्मेदारी का कोई व्याख्यान किया नहीं जा सकता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अगर अव्यवस्था हो रही तो शासन प्रशासन को लिख सकता है, जिला अधिकारी को भी बता सकता है, पशुधन अधिकारी को बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और वो उनका पूरा दायित्व बनता है गौशाला के पालन के लिए। ये चेयरमैन को अलग नहीं किया जा सकता कि कोई मतलब, भले ही फंड डॉक्टर के फंड उसमें खाते में जाता है, लेकिन इनके यहाँ जो भूसा आता है उसकी इंट्री करनी चाहिए। क्वालिटी चेयरमैन की देखने की जिम्मेदारी है कि जिस क्वालिटी का भूसा का रेट लगाया गया उस क्वालिटी का भूसा है कि नहीं है, ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन के अपने कर्मचारी नगर पंचायत से लगा रखे हैं, इसमें जब नगर पंचायत के कर्मचारी उनको जानवरों को चराने ले जाते हैं, गोबर साफ करते हैं, आप अनुमान लगाइए सारी पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, तो चेयरमैन जिम्मेदारी से कहाँ वंचित रह गए। तो चेयरमैन की तो पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की ज्यादा जिम्मेदारी, लेकिन अगर इनकी अगर सरकारी तंत्र कहीं लापरवाही करता है तो उच्चाधिकारियों को उनको चेयरमैन को अवगत कराना चाहिए, परसू करना चाहिए, और क्वालिटी में समझौता नहीं करना चाहिए। अगर गड़बड़ा रहा है तो जिलाधिकारी को, ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए, पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि गौशाला में ये दुर्दशा है, ये चेयरमैन की जिम्मेदारी। अब वो कोई न देखे न कहे चेयरमैन को तो उसकी उनकी अपनी मर्जी की बात है। बिल्कुल, लगातार जो है देखा जा रहा था जो कमियां थी उसमें सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा था। हमारे साथ में भैया है, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे, ये भी काफी लंबा समय देते हैं, जैसा की चाचा जी ने भी अभी कहा कि काफी समय देते हैं। तो देखा जा रहा है पैसा भी भरपूर आ रहा है शासन की तरफ से और तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं, तो क्या कहेंगे?
नहीं तो क्या लगता है इसमें सुधार नहीं होना चाहिए, कुछ कमियां नहीं? अधिकारी लोग हैं वो खुद सुधार की व्यवस्था कराते हैं, हम लोग तो वर्कर हैं, काफी लंबा समय आप ऐसा काम करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी जो है इनकी एक बंधन पे वो बंधे हुए हैं क्योंकि कर्मचारी हैं वहाँ के, तो वो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो हमने आपको बताया कि रज्जू यादव जो यहाँ के नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, मैं लंबे समय से नगर यहाँ यहाँ आ रहा हूँ काना पशु वाले में, इनका समय सबसे ज्यादा देते हैं और सेवा भाव के हिसाब से देते हैं। कर्मचारी की हैसियत से तो अलग बात है कि फॉर्मेलिटी है, ये जानवरों को गिरे हुए जानवरों को उठवाना, दवा करवाना और कीड़े निकालना, ये दिल से लगे रहते हैं, जैसे गौ माता की सेवा के नाम पर ये समर्पित व्यक्ति हैं इस नगर पंचायत। तो देखा जो ट्रीटमेंट था वो गाय का चल रहा था और अब जो है जो डॉक्टर यहाँ पर आए हुए थे उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया और काफी जो है अब ये जो मामला है तो बढ़ चुका है। अब इसमें चलेंगे जो है डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे, जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं उनके द्वारा ऐसी क्यों लापरवाही की जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है जो लगातार शासन का भी प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ पर गौवंश हैं उनको जो है सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और ऐसी लापरवाही जब सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की इस व्यवस्था पर जो है इस कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। इसमें आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।